मनरेगा में काम न दे वो धरना गिरे वो दिल्ली में, जब तक मनरेगा में पैसा न दे वो जाली रह वो दिल्ली में। मनरेगा में पिछले एक साल से समय पे भुगतान नहीं हुआ है। अगर मैं राज्यवार बात करूं तो बंगाल में पिछले एक साल से कोई भुगतान ही नहीं हुआ है और बंगाल में एक साल से काम भी बंद है। बिहार में अभी पिछला भुगतान जो है नहीं हुआ है, बहुत सारा भुगतान बचा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समय पे भुगतान, मनरेगा कानून के अंदर ये है कि हमें 15 दिन के अंदर इनको भुगतान नरेगा मजदूर को होना, तो ये भुगतान एक तो टाइम पे नहीं हो रहा। दूसरी चीज ये है कि इस बार बजट में नरेगा के लिए सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए आया है। बहुत सारे विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर नरेगा को नरेगा कानून के हिसाब से नरेगा को सुचारू रूप से चलाना है तो हमें 2,73,000 करोड़ रुपए का बजट चाहिए। ये मात्र 60,000 रुपए का बजट, जो 60,000 करोड़ का बजट आया है, ये 2-3 महीने भी काम नरेगा का पूरा नहीं होगा। तो जब साल भर मजदूर काम करेंगे उनको पेमेंट नहीं मिलेगा तो पैसा है ही नहीं, तो पेमेंट कहाँ से देंगे? तो इसका मतलब अगली बार वित्तीय वर्ष के लिए छोड़ देंगे, तो एक तो वो दिक्कत है। दूसरी चीज़ ये है सबसे बड़ी कि जो मजदूर काम करते हैं उनका अटेंडेंस जिस तरह से होता है, NMMS ऐप के थ्रू ये लोग अटेंडेंस लेते हैं। अटेंडेंस की जो पूरी प्रक्रिया है इतनी जटिल है कि आप समझ लीजिए कि हर रोज दिन में 2 बार इन्हें फोटो लगाना होता है। अब फोटो अपलोड करने के लिए नेटवर्क होना चाहिए, अब नेटवर्क नहीं है, फोटो अपलोड नहीं हुआ, तो मजदूरों ने काम किया लेकिन फोटो अपलोड नहीं हुआ। अब जब फोटो अपलोड नहीं हुआ तो उन्होंने काम किया लेकिन उनका पेमेंट नहीं आएगा। तो हमारी ये मांग है कि ये NMMS ऐप हटाया जाए, इस ऐप से हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। इसको लेकर किसको ज्ञापन दे रहे हैं? इसको लेकर हम लोग ग्रामीण मंत्रालय को जो है आज ज्ञापन दिए। हमारे पास एक हम असल में भी 4 दिन पहले ग्रामीण मंत्रालय की तरफ से ये जवाब आया था कि NMMS ऐप बहुत अच्छे से काम कर रहा है और ऑफलाइन फोटो भी अपलोड आप कर सकते हैं, कोई बचत भुगतान सारे समय का अच्छे से हुआ है, सारे जो नरेगा मजदूरों हैं उनका भुगतान अच्छा हुआ है। तो हमने एक प्रेस रिलीज निकाली है और एक लेटर भी आज एक ओपन लेटर नरेगा संघर्ष मोर्चा ने एक खुला पत्र जो है ग्रामीण मंत्रालय के नाम से लिखा है, वो आज हम जो है अगर फिर भी आपकी मांगे नहीं मानी गई तो हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठे हैं और भारत भर के मजदूर अपने घर से, अपने गाँव से, अपने राज्य से निकलेंगे। जैसे आज बिहार के मजदूर आए ये रहेंगे, बंगाल के मजदूर आने के लिए तैयार हैं, राजस्थान के मजदूर आने के लिए तैयार हैं, यूपी के मजदूर आ रहे हैं, झारखंड के, कर्नाटक के, तो हर राज्य से, भारत के अलग अलग हर राज्य से जो नरेगा मजदूर का संगठन है वो यहाँ पे जंतर मंतर पे आएगा और अनिश्चितकालीन समय तक के लिए धरना करेगा।